इसराइल और हमास के बीच जंग तेज होती जा रही है। इन हालातों के बीच वर्ल्ड बैंक की चिंता बढ़ गई है। विश्व बैंक ने चेतावनी देते हुए कहा है कि लंबी खींचती इस जंग का बुरा असर ग्लोबल इकोनॉमी पर पड़ सकता है और कमोडिटी सेक्टर पर तो बेहद तगड़ी और दोहरी मार पड़ सकती है। इसका प्रभाव कच्चे तेल की कीमतों पर दिखाई भी देने लगा है। अगर ऐसा होता है तो फिर भारत समेत दुनिया भर में महंगाई बढ़ने का खतरा बढ़ जाएगा। वर्ल्ड बैंक ने अपनी ताज़ा कमोडिटी मार्केट आउटलुक रिपोर्ट जारी करते हुए कहा है कि मध्य पूर्व में युद्ध लंबा खींचता है तो इसका सीधा असर कच्चे तेल की कीमतों पर पड़ेगा। रिपोर्ट की माने तो आने वाले दिनों में क्रूड की कीमत $150 प्रति बैरल के पार पहुंच सकती है। अगर ऐसा होता है तो एनर्जी और फूड प्रोडक्ट्स की कीमतों में असामान्य उछाल देखने को मिल सकता है। इससे पहले रूस और यूक्रेन युद्ध की वजह से दुनिया इस मुसीबत का सामना कर चुकी है और इसके शांत होने से पहले ही इसराइल हमास युद्ध ने हालात बिगाड़ दिए हैं। रिपोर्ट के मुताबिक अगर संघर्ष बढ़ता है तो इसे बेहद छोटे व्यवधान के तौर पर लिए जाने पर ग्लोबल क्रूड ऑयल सप्लाई 5 लाख से 20 लाख बैरल प्रतिदिन कम हो जाएगी और ऐसा होने पर कीमतों में 3 से 13% की बढ़ोतरी देखने को मिलेगी। यानी ये चालू तिमाही में $93 से $102 प्रति बैरल के बीच पहुंच सकती हैं। वहीं मध्यम व्यवधान होने पर सप्लाई में प्रतिदिन 30 से 50 लाख बैरल की कटौती हो सकती है, जिससे कीमतें 21 से 35% तक बढ़कर $109 से $121 प्रति बैरल पर पहुंच सकती हैं। तेल की कीमतों पर चिंता जाहिर करते हुए विश्व बैंक ने कहा कि अगर इसराइल हमास वॉर और बड़ा रूप लेता है तो इसका बड़ा और असर पड़ने पर वैश्विक तेल आपूर्ति प्रतिदिन 60 से 80 लाख बैरल तक कम हो जाएगी, जिसके परिणाम स्वरूप शुरुआत में कीमतें 56 से 75% तक बढ़कर $140 और $157 प्रति बैरल के बीच पहुंच जाएंगी। हालांकि वैश्विक कमोडिटी बाजारों पर अभी तक संघर्ष का प्रभाव सीमित रहा है, लेकिन इसके बावजूद संघर्ष शुरू होने के बाद से अब तक क्रूड ऑयल प्राइस लगभग 6% बढ़ गया है। बीते दिनों अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इसका भाव $93 के पार निकल गया था। आपको ये स्टोरी कैसी लगी हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। ऐसी ही स्टोरीज और अपडेट्स पाने के लिए सब्सक्राइब करें आज तक AI।